बुरहानपुर की विधानसभा के चुनाव के जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसा ही दौर बुरहानपुर में देखने को मिला है, जब निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह ने घर पर जाकर सघन जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि AIMIM की पतंग कटेगी। जिन लोगों ने मांजा हाथ में थाम रखा है वह भी बेनकाब होंगे। सिर्फ हर्षवर्धन सिंह भी इस बयान पर AIMIM की प्रत्याशी नफीस मंसा खान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन सिंह चौहान बच्चा है, मेरे बेटे जैसे हैं, उसे जब तक कोई प्रूफ ना हो और कोई मिले ना तो बात नहीं करनी चाहिए। यह तो वक्त बताएगा कि किसकी पतंग कटेगी और कौन पतंग काटेगा। वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन किसी पे झूठा इल्ज़ाम विदाउट प्रूफ के लगाना, इन्हें अपनी जबान को पाबंदी देना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ये राजनीति है, यहाँ छीटे उड़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसी हरकत करना, बच्चा छोटा बेटे तरीका है मेरा, क्योंकि मेरे उसके पिताजी से बड़े अच्छे संबंध थे, वो मैं उनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन वो जिस हिसाब से बात कर रहे हैं तो बहुत, या तो अपने आप को घमंड महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि घमंड में आ गया है, तो घमंड नहीं आना चाहिए इस उम्र के अंदर। ये उम्र लोगों की सेवा करने की और आगे बढ़ने की। MIM द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, ये बात सही है, पर शहर की फिजा ना बिगड़ रही है ना बिगड़ने वाली है, क्योंकि अब ये खेल जो है MIM का, इस प्रकार के भड़काऊ भाषण का, ये बहुत पुराना हो गया। अब जनता सब चीज़ों को जानती है और शहर का दोनों तबका, हिंदू तबका मुस्लिम तबका, दोनों इस खेल से वाकिफ है। और MIM की पतंग जो उड़ रही है, पतंग तो सबको दिख रही है, और मांझा किसके हाथ में है MIM का, वो भी दिख रहा है सब। मतलब कौन किसी और के हाथ में? MIM की जो डोर है ना, MIM की जो डोर है वो किसके हाथ में है ये भी जनता जानती है। ये पतंग उड़ने से और इनके भड़काऊ भाषण से फायदा कौन उठाना चाहता है ये भी जनता जानती है। क्या पतंग कटेगी? पतंग भी कटेगी और मांझा उड़ाने वाले का भी पर्दाफाश होने वाला है कि मांझा किसके हाथ में है। भाजपा की बेटी कहलाती है तो क्या सही है? जवाब आपने ही दे दिया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत।